بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في حسن حبيبه في عزة نبيه في مقام حبيبه في رفعة حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومولانا محمد وصحابي سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشد يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم पत्थर को तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुराकर मदीना बना दिया। पत्थर को तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुराकर मदीना बना दिया, सारे जहानों के फूलों की खुशबू निचोड़ कर। क्योंकि लिखने वाले ने लिखा था कि दोनों जहानों के फूलों की खुशबू निचोड़ कर, लेकिन फकीर तो क्योंकि 18,000 आदमी ने तो सारे जहानों के फूलों की खुशबू निचोड़ कर मेरे रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। बलगल उला बे कमालिही कशफत वजा बे जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा ए भी गहना भारा हो, नाल शफात सरवर आलम छुटसी आलम सारा हो, हदों बेहद दरूद नबी सरवर ते जिसदा एड पसारा हो, मैं कुर्बान तिना थू सुना या हजरत बाहू जिना मिलिया नबी जी सुहारा हो। तस्बी फिरी पर दिल ना फिरया की लैना तस्बी फड़के हो, तस्बी फिरी पर दिल ना फिरया की लैना तस्बी फड़के हो, इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया कि लैना उस इल्म नु पढ़ के हु, चिले कटे पर कुछ ना खटिया कि लैना चिलिया वड़ के हु, जाग बिना दूध जमदे ना सोना बाहू भावे लाल हुवन कड़कड़ के हु, भावे लाल हुवन कड़कड़ के हु। यकीन आनम दरी आलम के ला माबूद इल्ला हु, वला मौजूद फिल कौनैन ला मकसूद इल्ला हु, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह सुबहाना व ताला की, जो अल्लाह सुबहाना व ताला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। हम्द सना के बाद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम आका दो आलम हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की बारगाह में हदिया दरूद पेश करने के बाद नहायत वाजिब एहतराम वाजिब कदर जी सद एहतराम सादात कराम और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत व मोहब्बत रखने वाले मेरे कलमों को भाइयों बुजुर्गों बच्चों माओ बहनों बेटियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुबहानहू व तआला का बेहद तो बेशुमार एहसान के रब ज़ुल जलाल ने हमें एक मरतबा फिर से इकट्ठे होकर इस बाबरकत महफिल में आने की, इससे अपने कुलूब व अतहा को मुअत्तर करने की, अल्लाह सुबहाना व ताला का प्यारा जिक्र करने की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया दरूद व सलाम भेजने की और हुजूर के गुलामों का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक उस ज़ात गिरामी का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे क्या समझेंगे, हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की न शान समझ सकते हैं न मकाम समझ सकते हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क्योंकि ख़ुद फरमा दिया ना कि जो सबसे करीब थे, जो यार गार भी थे साहिब मिजार भी हैं, सबसे करीब को भी ये फरमा दिया कि बेशक आपने बचपन भी साथ गुजारा, जवानी भी साथ गुजरी, अब भी साथ है, लेकिन फिर भी मेरे रब के अलावा मेरी हकीकत कोई नहीं समझ सकता। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान। तो आप सब जितने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, जहाँ जहाँ
जिसको ये समझ लें, ये बात जहनों में उतार लें कि जिसको जो मकाम भी मिला है, जितनी शाने मिली हैं, जितनी इज्जतें मिली हैं, जितनी शौकत मिली है, सब और सब सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से मिली, सब और सब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की वजह से मिली, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चल के मिली। ये हमारे दरमियान ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी प्यारी हस्तियाँ बैठी हैं, बड़े बैठे हैं। मैं इतनी ज़बान मेरी इस काबिल नहीं है कि मैं इनके सामने बैठकर जिक्र कर सकूं, लेकिन क्योंकि ड्यूटी लगी है। ये खोकर साहब हमेशा अभी बता रहे थे, हर महीने ये इस महफिल को सजाते हैं, हुज़ूर गौस पाक के लंगर भी चल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो देखिए, अगर इनकी आज ये आम बंदा हो ना हमारा जैसा तो कोई नहीं, लेकिन जहाँ पर महफिल की बात आती है, महफिल कराने वाले, तो उसका मकाम बढ़ जाता है, उसका मकाम वैसे ही बढ़ जाता है। संगे पारस सबने सुन रखा है, संगे पारस एक ऐसा आला है, एक ऐसी कमाल चीज़ है कि उसको जिस चीज़ के साथ भी रब कर दिया जाए ना, वो चीज़ सोने में तब्दील हो जाती है। संगे पारस का ये कमाल है कि जिसके साथ भी उसको टच करें, रब करें, वो चीज़ सोने में तब्दील हो जाती है। अहले नज़र ने, अहले नुक्ता ये फरमाते हैं कि दर हकीकत जो संगे पारस है, वो दर हकीकत नस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। फरमाते दर हकीकत वो नस्बत मुस्तफ़ा, ताल्लुक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, क्योंकि आम जैसा भी हो, लेकिन जब कोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अटैच हो जाता है, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाती है, जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अता आ जाता है, उसका दर्जा और उसकी सकियत बुलंद से बुलंद हो जाती है। तो ये आप खुद देख लें कि आप जिस चीज़ को भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ जिस तरीके से भी जुड़ी है, अगर आप आपकी अहले बैत की बात कर लें तो उनका क्या मकाम है। अल्लाहु अकबर, कुर्बानियां तो किस किस ने दी होंगी ना, कुर्बानियां तो कितने ने दी होंगी, लेकिन क्या वो कैसा कमाल होगा कि कुंबा तो एक तरफ ना, तो जब वो टाइम आया तो सोचें, जब वो हजारों तीर, हजारों गर्दनें, वो नेजे, जब सरे गर्दने गर्दने हुसैन को कलम करने के लिए तैयार और इतनी तेज से आ रही होंगी, और गर्दने हुसैन कहाँ थी, अपने रब की बारगाह में थी। तो ये रब की बारगाह में झुकना, उन सारी चीजों की परवाह किए बगैर अगर ये हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो सकता है, नस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह। अगर हमें इबादत का भी ये जौक और ये शऊर मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, उनकी अताअत से मिला है, उनके रास्ते पर चल के मिला है। सहाबा किराम को देख लें, एक तरफ हजरत ईसा अलैहि सलाम, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप कुतुब पढ़ें, आपको पता चले हजरत ईसा अलैहि सलाम एक उम्मती, आपका पहचानी तो उम्मती की वजह से जाते ना, एक उम्मती कुछ पैसों के लिए अपने नबी का सौदा किया, इसी तरह कुछ पैसों के लिए नबी का सौदा किया, और यहाँ पर वो हैं 70-70 तीर खा रहे हैं और फिर भी एक तीर भी अपने आका की तरफ नहीं जाने दे रहे। ये हजरत तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जो बिस्तर मर्ग पर तो लेटना पसंद करते हैं, लेकिन बिस्तर मर्ग पर जान की परवाह किए बगैर लेट जाते हैं। वो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो हैं जो सांप का डसना तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन महबूब की नींद खराब हो जाए, नींद में खलल आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ अगर मुयसर हो सकता है, एक वो हैं जो घसीटे भी जा रहे हैं, उन पर क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं, फिर भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद हो रहे हैं। तो ये जब मैं कहता हूँ कि वो दिल नहीं है जो इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिसे धड़कना नहीं आता, वो जान नहीं है जो हर वक्त अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने को तैयार ना। तो अल्लाह सुबहाना व ताला ये ज़ौक और शौक जो हमारे यंगस्टर्स में मैंने देखा है, और इतनी सब माशाल्लाह इतने प्यार, अल्लाह पाक ये ज़ौक और शौक मुश फ़कीर समेत सबको अता करें। क्योंकि एक तो होते हैं ना, वैसे ही पढ़ रहे होते हैं, एक वो होता है जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो ऐसे दिल में उतर रही होती है जैसे कोई शहद अंदर डाल रहा हो। तो ये आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ये हकीकत, ये ज़ौक जब सब में आने लग जाएगा, तो फिर हमारे असलाफ ने जो कहा था ना कि दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, तो ये पैगंबरों की सुन्नत जो आपने कहा कि ये तौबा वो है, अगर लो लगानी है ना उससे, तो फिर जवानी में लो लगा, क्योंकि बुढ़ापे में इसका कोई, तो वो
भेड़िया भी बुढ़ापे में जुल्म करना छोड़ देता है, तो मैं आज दिन को भी कहता तुमने और मैंने अगर गुनाह करना छोड़ दिया तो कौन सा कमाल कर। तो फिर मजा तब आए जब जवानी में अल्लाह पाक की तरफ खींचे चले आओ, जब जवानी में सजदा रेजिया करो, जब ये लज्जतें मिले ना तुम्हें सजदों की। जब और देखिए मदीना पाक की बात हो रही थी, जिसको भी मदीना पाक से नस्बत है, ये तो खैर इनके तो भाई उधर है ना। आज आप देखेंगे जो मदीना पाक जाता है ना वो कुछ तोहफे ताइफ लेके आते हैं, वो कोई खजूरें लेके आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कि जी मदीना पाक से आई हैं, कोई जानिमाज लेके आ रहे हैं, कोई तस्बीह लेके आ रहे हैं, सब मदीना पाक से। जब लेके कोई भी तोहफा किसी को पेश किया जाता है ना तो इतनी अकीदत और मोहब्बत से उसको रखते हैं और सोचें उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई उसको अकीदत से या मोहब्बत से अगर जिसने तोहफा दिया है अगर उसको ये पता चल जाए ना कि इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया या उसकी उस तरीके से कदर नहीं की, तो फिर क्या होता है, अगर उसको पता चल जाए उसका दिल अलग दुखता है तो वो तो ये कहेगा ना कि मैं कभी इसको कोई चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतनी दूर से इतने प्यार से लेके आया, इसने ये हल किया। और अगर उसको पता लग जाए कि उसको पता लग गया कि मैंने इसकी टेक केयर नहीं की, तो उसको अंदर से शर्मिंदगी अलग होती है। होता है ना ऐसा, कोई किसी को तोहफा दे और उसकी टेक केयर ना हो तो अगले को तो अफसोस होता है, अगला कहेगा मैं नहीं लेके आऊंगा, इसको भी अफसोस होता है कि भाई उसको पता लग गया। तो मैं कहता हूं कि अगर मदीने से कोई तोहफा लेके आए तो तुम उसको अपने सीने से लगा के रखते हो, उसकी इतनी टेक केयर करते हो, तो मदीने वाला अगर तुम्हें तोहफा देता है, मदीने वाला अगर कोई तोहफा देता है, हम उसको कैसे कबूल नहीं करते। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो तिलावत कुरान पाक में से एक आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ईमान वालों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह सुभान व तआला की यानी आप फरमा रहे हैं कि मेरी अताअत करो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमाल को ज़ाया मत करो, अपने अमाल को ज़ाया मत होने दो। नमाज को तुम पढ़ लेते हो, और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना भी है कि नस्बत, क्योंकि महफिल फ़कीरों की है तो जब तक नस्बत की बात ना हो तो बात बनती नहीं है, जिसकी जहाँ नस्बत है। अब ये देखो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इतना प्यारा तोहफा नमाज का तोहफा में अता किया, जी नमाज का तोहफा था ना जो अपनी उम्मत के लिए लेकर आए। तो ये किस तरह हो सकता है कि जिस गली से कोई आए ना कि पता लगे कि मदीना पाक में है तो उसकी कदर इतनी बढ़ जाती है, तो जब तोहफे लेके आते तो कदर और बढ़ जाती है। तो जो मदीने से होकर आया हो, हुजूर की जालियों को चूम कर आया हो, जब आप उसको चूमना शुरू कर देते हैं, उसके तोहफे को इतने प्यार से कबूल करते हैं, तो जो मदीने वाले आका खुद तोहफा हमें दे के गए हैं, हमारे लिए लेके आए, हम उसको कैसे कबूल नहीं करते, ये कैसे हो सकता है। तो ये इस चीज़ की बहुत ख़ास तौर पर आप कैसे कोई नहीं चाहेगा, कोई कहे कि तुम मेरी आंखों की ठंडक बन जाओ, कैसे हो सकता है कि आंखों की ठंडक ना बने। नमाज आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, आपने फरमाया ना आंखों की ठंडक, तो कैसे हो सकता है अगर नमाज पढ़ रहे तो तुम क्यों नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बनना चाहते। महबूब खुद कह रहे कि तुम्हें आंखों की ठंड बना लूंगा, क्यों नहीं बनना चाहते। तो अल्लाह अकबर। और वो और नमाजें ये नहीं कि कई ऐसे हैं पढ़ते भी हैं, लेकिन ये ख्याल रखिए कि जो नमाजें पढ़ी जा रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। इसमें सबसे ज़्यादा मैं जो आज यहाँ का मैसेज जो यहाँ पर दे के जाना चाहता हूँ, नमाजें तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर गौर करें कि क्या तुम्हारी नमाजें ऐसी हैं, क्या हमारी नमाजें ऐसी हैं जो हमें बुराई और बेहयाई से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं है, अगर वो सजदे से वो निशान ज़मीन पर नहीं, वो निशान दिल पर बनना चाहिए। मेरे सुल्तान फरमाते हैं कि नमाज का निशान वो निशान हो जो तुम्हारे दिल पर बने, क्या बात है, फिर नमाज नमाज होती है, वरना तुम्हारी नमाज नमाज नहीं है। और वो दिल पर निशान कैसे बजता है, आप फरमाते हैं बाज हजूरी नहीं मंजूरी, भावें पड़े बांग सलाता हूं। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहो, लेकिन अगर हजूर की बारगाह में हजूरी नहीं है तो तुम्हारी नमाजों का तुम्हें कोई फायदा नहीं। आप फरमाते हैं कि ये भी उस दर से, मैंने कहा ना कि जिसको जो भी मिला है, जिसको जो भी मिला है, वो मकाम हो, वो जो कुछ भी हो, वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिला है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ ये है कि हम नस्बत वाले बन जाएं, क्योंकि नस्बत हम इसलिए इख्तियार करते हैं कि ये वो हैं जो हमारे हाथों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लम की बारगाह में पेश कर देंगे, ये नस्बत हमारे हाथों को लेकर उस बारगाह में पेश कर देंगे। जब एक दफ़ा आप उस बारगाह में पहुँच जाएंगे, फिर आपका दर्जा बुलंद और बरतर और बाला हो जाएगा, और आपने बस उस दर्जे का ये ख्याल रखना है कि अगर आप नस्बत वाले हैं, अगर आप शेख का कुर्ब भी मिला है, अगर उसकी सोहबत भी इख्तियार करते हैं, अगर उनके पास बैठते भी हैं, फिर भी अगर आप
نماز میں وہ لذت نہیں محسوس کر رہے، قرآن پاک سے وہ چیز نہیں حاصل کر رہے، کیونکہ فرمان تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک تصور کرو، پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں پتا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ارادہ تو یہ کرو کہ تم نے رب سے ملنا ہے. میں ایک آدھ دن پہلے کوئی چیز میں نے پڑھائی سنا، میں کسی کو سن رہا تھا تو اس نے فرمایا کہ ایک کرسچن نے، پاکستان کی یہ بات، ایک کرسچن نے ایک شیخ تھے وہ امام بھی تھے ان کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا بھی کون سی اسلام کی چیز نے تمہیں اتنا متاثر کیا کہ تم نے کلمہ پڑھا، کہنے لگا کہ مجھے پانچ وقت کی نماز نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا، پانچ وقت کی نماز نے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے، میں نے ہر مذہب کو اسٹڈی کیا ہے، میں نے کرسچینٹی سے لے کر میں نے یعنی جتنے مذاہب ہیں سب کو اسٹڈی کیا ہے، لیکن میں نے ایک مذہب بھی ایسا نہیں دیکھا جس میں بندہ اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا پانچ دفعہ اس سے بات کر سکتا ہے، اس سے کلام کر سکتا ہے، اس کا دیدار کر سکتا ہے. کہتے کہیں پر میں نے پڑھا تو آٹھ دن کے بعد بلاتا ہے وہ رب، آٹھ دن کے بعد بلاتا ہے، کہیں پر پڑھا 30 دن کے بعد بلاتا ہے، کہیں پر پڑھا کتنے دن کے بعد بلاتا ہے، لیکن میں کروان جاؤں اس مذہب پر جو پانچ دن، پانچ ہر روز پانچ مرتبہ تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، اس چیز کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا کہ میں دیکھوں تو صحیح تو. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا دیدار نصیب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، تڑپ پیدا کرو. کیونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے غلام ہیں، اگر آپ فرما دیتے کہ میں جب تک پہلے سجدے میں رب کا دیدار نہیں کرتا میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا، اگر حضور کے ان غلام کو نصیب ہو سکتا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوشش کی جائے اور وہ نصیب نہ ہو. تو یہ نصیب ضرور ہو سکتا ہے، بس ہم تڑپ پیدا کریں، ہم شیخ کی جب صحبت اختیار کریں پھر یہ بھی دیکھیں. پھر کیونکہ اگر وہ شیخ کی صحبت جو ہے تمہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سن کر اگر ان کی محبت اور بڑھا نہیں رہی، اگر قرآن پاک کی تلاوت میں تمہیں وہ ذوق، کیونکہ فرمان تو یہ تھا نا، نماز کی تو بات ہوگی، اگر رب کے یہ ہو، یا تو یہ دیکھ لو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے، اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، تو اتنا کم از کم تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اور پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دھیان کہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی دھیان کہاں جا رہا ہوتا ہے، کبھی یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی اس پر غور کریں نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ ذہن بنا لو گے نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اللہ اکبر کا احساس ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تمہاری نظریں، تمہارا ذہن ٹس سے مس نہیں ہوگا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اپنے رب سے قرآن پاک کھولتے ہیں، آج قرآن پاک کھول رہے ہیں، اس کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اگر وہ قرآن تمہارے اندر نہیں اتر رہا، اگر اس قرآن کی تلاوت سے تمہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، چلو پڑھنا سمجھ آنا دور کی بات ہے، جب تم پڑھو نا تاثیر ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں سمجھ آ رہی نہ ہو، لیکن وہ کلام تمہارے اندر ایسا جا رہا ہو کہ تم نے ٹرانسلیشن ویسے نہ سیکھی ہو، لیکن خود بخود وہ تمہیں ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہے. ہم کلامی کا تو مطلب کہ کلام، تو پھر جب رب کا کلام پڑھ رہے ہو تو پھر اس طریقے سے اس کو اپنا محبوب بنا لو کہ خود بخود وہ سمجھانے والا ہے. یہ نہیں، علم لدنی نہیں عطا ہوا، کتنوں کو عطا ہوا، سب کچھ عطا ہوتا ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے، تم پڑھنے والے تو بنو، تم اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش تو کرو نا، تم اس طریقے سے تم وہ سالک بن کر آؤ تو صحیح نا، کہ تمہارا شیخ نے ان کی بارگاہ میں پہنچا دے، تم ویسے بن کر آؤ تو صحیح. تو جب ہم سب کو، آج جتنے حضور کے غلام ہیں، میں ٹاپک بالکل کچھ اور سوچ کے رہا تھا، لیکن میں نے جو یہاں کا وہ ذوق دیکھا، وہ یہاں کا شوق دیکھا، تو میں وہ بالکل ایک اس لے میں دوسری طرف نکل گیا. اور پھر میں نے غالباً پتہ نہیں پچھلی دفعہ یہ واقعہ یہاں پر بتایا یا نہیں بتایا، اور مجھے یہ واقعہ اتنا پیارا لگتا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے بھائی محترم وہ پچھلے ہفتے فرائیڈے والے دن ان کا مدینہ پاک میں روح پرواز کر کے وہ جس جگہ پہ، الحمدللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمایا، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا، میں یورپ کے ٹور پر تھا، تو ادھر حس صاحب کے ایک بڑے پیارے ساتھی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے پک کیا اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں بارہا مرتبہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جاؤں کم از کم میں یہ واقعہ سناؤں، ہر جگہ پہ تو نہیں سنا سکتا، لیکن جہاں پر ذوق والے بیٹھے ہوتے ہیں آپ جیسے، پھر دل کرتا ہے کہ ایسی بات بتاؤں کہ حضور کی محبت. اور اچھا یہ 1000 سال پہلے کی بات نہیں ہے، 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، 150 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے، یہ میں اس 20 سال کی بات کروں. وہ مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں عمرہ شریف کے لیے گیا مکہ پاک سے ہو کر،
हम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हुए, वहाँ से ज्यारतें करने के लिए गए। कहने लगे कि वो जो मैंने टैक्सी कराई ना, वो ड्राइवर अरबी था। कहने लगे हम ज्यारतों के लिए गए। जब ज्यारत से वापस आ रहे थे तो जहाँ पर हम थे वहाँ से गुम्बद खजरा का फासला करीबन 20 किलोमीटर रह गया था। 20 किलोमीटर फासला रह गया था। नमाज असर का टाइम शुरू हो गया, 10 मिनट गुजरे तो वो बार बार अपने ड्राइवर जो है वो घड़ी देख रहा अरबी था। उसने मुझे फिर ना, मुझे लग रहा था कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब 10 मिनट गुजरे उसने कहा, उससे फिर कंट्रोल नहीं हुआ, उसने मुझे कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रोकर नमाज असर अदा करूँ, फिर मैं आपको आपकी मंजिल मकसूद तक छोड़ आता हूँ। तो आप कहने लगे कि यार नमाज का टाइम तो अभी शुरू हुआ है, अभी 10 मिनट हुए हैं, तो 20 किलोमीटर का फासला है कि 20 मिनट में आप उधर पहुँच जाएंगे, उधर जाके कटे नमाज पढ़ लेंगे, उधर जाके नमाज पढ़ लेंगे। तो कहने लगा कि उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे कि वो मुझे कहने लगा, और उसकी बात सुनकर, वो कहते ना कि तकदीर बदलनी हो तो या जहन बदलना हो तो, कहने लगे कि उसका जवाब सुनकर मेरा एक एक लू खड़ा हो गया, बाल एक एक खड़ा हो गया। कहने लगे जो उसने मुझे जवाब दिया, कहने लगा कि आप तो 20 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, मेरा मैं आधा किलोमीटर चलूं, 1 किलोमीटर चलूं, मेरा अगला सांस आए या ना, इसकी गारंटी दे सकते हैं? अगर गारंटी दे सकते हैं तो ठीक है, वहां जाके पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे नमाज इधर अदा कर लेने दीजिए। अल्लाह पर कहने लगे, मैंने ये जब बात सुनी, कहने लगे कि सजदा रजिया तो मैं भी कोताही नहीं करता था, सजदा रजिया तो मेरी भी कजा नहीं होती थी, लेकिन इबादत का ये हुस्न, अल्लाह पाक से ये मोहब्बत, अपने खालिक से इतना प्यार, इबादत का ये ज़ौक आज तक नहीं देखा था, ना आज तक सुना था, ना आज तक महसूस किया था। लेकिन उसकी ये बात, कहने लगी जैसे उसने ये लफ्ज बोले तो ऐसा चेंज हो गया, मुझे उस वक्त उस शख्स से ज़्यादा दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं थी। कहने लगे हम उसी वक्त गाड़ी से निकले, नमाज असर अदा की, गाड़ी में आके बैठे। कहने लगे जैसी गाड़ी में आके बैठे, मैंने उसी वक्त अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, उस पर अपना पर्सनल नंबर लिखा, अपना पर्सनल एड्रेस लेके मैंने उसको दिया। मैंने कहा यार मुझे तेरे से इस वक्त भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, यूरोप बेल्जियम में मैं रिहायशी हूँ, तुम अगर उधर आओ, बेल्जियम आओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पर भी यूरोप में आओ, तुम मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हें पिक करूँगा, मैं खुद तुम्हें घुमाऊँ कराऊंगा, जितनी देर रहना तुम मेरे घर को अपना घर समझ, फैमिली लॉजिस्ट। कहने लगे अभी मैं ये कह रहा था तो कहने लगे, उसने मेरे से माजरत की, कहने लगा कि ये मेहरबानी करके आप मैं ये कार्ड नहीं रखता, आप कार्ड वापस कर। उनका बात क्या है, मैं तुम्हें आज, यानी हमारे जैसा कोई नागिस बंदा हो, कोई कहे कि जी ये मैं अमेरिका में रहता हूँ, तुम आना तो हमारे पास आना, हम तो चलांगे मारते फिरेंगे। तो कहने लगा कि वो आप मेहरबानी की कार्ड नहीं रखते वापस। उनका वजह तो बताओ तुम वापस, मुझे ये दे रहे हो, मैं तुम्हें इतने दिल से। कहने लगा नहीं, ये आपकी मेहरबानी है कि आप ये कह रहे हैं, और ये बताता चलूँ ये अरबी है जो ये कह रहे हैं, ड्राइवर अरबी था टैक्सी का। कहने लगा कि आप तो यूरोप की बात कर रहे हैं ना, आप तो बेल्जियम की बात कर रहे हैं। कहने लगा कि मैं सारी ज़िंदगी, मैं पैदा भी मदीना पाक में हूँ, सारी ज़िंदगी में एक मरतबा मदीना पाक से गया हूँ बाहर, वो भी क्या करने, हज करने, क्योंकि वो फ़र्ज था। उसके बाद सारी ज़िंदगी में इस खौफ से, इस डर से दोबारा हज करने नहीं गया कि ऐसा ना हो कि मेरी आखिरी सांस आए और मैं मदीना से बाहर हूँ, मैं मर जाता हूँ, मैं मरूँ भी तो हुज़ूर के कदमों में हूँ। तो मैं उस वक्त जाके ये बात समझ में आई कि जिसको अगर नमाज से, अपने खालिक से इतनी मोहब्बत हो सकती है, अगर इबादत का इतना ज़ौक हो सकता है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा से, उसकी वजह से। हुज़ूर की गुलामी ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खालिक की इतनी मोहब्बत और इतनी इबादत का ज़ौक और इतनी तड़प अता कर सकती है। तो फिर बात वही है, आज ये कहा जाता है कि नहीं, जब हुज़ूर की मोहब्बत में इतना आगे चले जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन मैं उनके लिए, मैं एक दफ़ा सबको ये झिझोड़ना चाहता हूँ, आपने ये बात सुनी, उनको जाके सबको ये बात बताएं कि यार ये नहीं हो सकता, हुज़ूर तो आई तुम्हें उनसे मिलाने के लिए, और तो मकसद तुम्हारा, उनका तो मकसद ये है कि तुम्हें उसमें मिला दें, तुम्हें शैतान के रास्ते से हटाकर रहमान के रास्ते पर लगा दें, मकसद ही सिर्फ ये, हुज़ूर तो आई मोहब्बतें बांटने के लिए अपने। मतलब आज हम क्यों जुदा जुदा हैं, इस वजह से जुदा जुदा हैं, हमने अपने काम अपने जिम्मे ले लिए, वो काम जो उसके जिम्मे थे आज हम समझते हैं सारा कमाल हमारा है, हमने अपने जिम्मे सब कुछ ले लिया। लेकिन नहीं, जो अगर हम में से हर एक तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना शुरू कर दे, तो यकीन करें दिन दूर नहीं है कि आग गुलिस्तान में वो फूलों में चेंज हो सकती है। ये नहीं होता कि नहीं होती, आज भी लोगों के लिए हो रही है, आज भी ऐसी कई हाँ मिसालें हमारे सामने आती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं वो अंदर है ना, वो एक अंदर ऐसी चीज बैठी हुई है कि वो चेंज नहीं होने देती, जिसके बारे में मेरे बाबू ने फरमाया था ना कि बाज फकीर किसे ना मारे अबा, बाज फकीर किसे ना मारे अबाहू, ज़ालिम चोर अंदर तब, ये जो अंदर का चोर है ना, सारा मसला इसका है। तो अल्लाह करे कि बुजुर्गाने दीन जितने भी शेख की मैयत होती है, इस वजह से कि अंदर का चोर मार जाए, ये किसी तरीके से इसकी एक दवा कुंडली घूम जाए, ये मर जाए, तो फिर यकीन करें कि ये जहान में भी सुख रहूं, आगे भी सुख रहूं। तो बात फिर वही कि ये जितनी मवाफिल हैं,
आप महफिल में आते हैं इतने जोक और शौक से आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ये गुण गाए जाते हैं, तराने गाए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिर क्या हो जाता है कि दरवाजे से बाहर जाते हैं तो सब कुछ भूल कैसे जाते हैं। मैंने ये जो तिलावत कुरान पाक आपके सामने रखी, ये रखने का मकसद ही सिर्फ ये था कि ये बात नहीं है कि अतात नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे कि मेरी अतात करो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करो, फिर आगे ये भी फरमा रहे कि अपने अमाल को ज़ाया मत करो। यहाँ से हम इतने ज़ौक शौक से तिलावत करते हैं, इतना प्यारा जिक्र करते हैं, हदिया दरूद व सलाम पेश करते हैं, अच्छी सी बातें सुनते हैं, तो बजाय इसके कि हम बाहर जब जाएँ महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल जो भी हो, असल मकसद उसका ये होता है कि जब इस दरवाजे से कोई अंदर आया ना वो बेनिमाजी है तो जब जा जाए ना तो वो नमाजी बनकर जाए। असल मकसद हजूर की महफिल का ये होता है कि जब वो आया हो, अगर वो हो जो नाफरमान हो, लेकिन हजूर की वो प्यारी बातें सुनकर जब वो जाए ना वो ऐसा फर्मा बदार बन के चला जाए कि वो उसी वक्त जाके माँ बाप के पाँव पकड़ ले। अगर वो ऐसा हो जो कथा ताल्लुक ही रखने वाला है तो वो जैसे ही जाए वो सबको उसी वक्त ही वो फोन घुमा के मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी और संत में अब जा सकूं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, जो फकीर आते हैं गुफ्तगू सुन लेते हैं, वो उलमा कराम और होते हैं उनको एक टॉपिक पकड़ के, तो ये तो फकीर है जो बात जहाँ से जहन में आ रही होती है वो जो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इन कोशिशों को अपनी पाक बारगाह में मकबूल व मंजूर भी फरमाए, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमेशा सबब बनते हैं इन महाफिल का, अल्लाह सुबहाना व ताला कोकर साहब को, हमारे राय साहब को, इनको सेहतियाबी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, और इनको ये ड्यूटियाँ इनसे लेता रहे, ये ड्यूटियाँ इनसे लेता रहे, क्योंकि ड्यूटी देने वाला अल्लाह सुबहाना व ताला किसी को चुन लेता है ना, चुन लेता है, इनको चुन लिया, इन्होंने ये अरेंज कर दिया, आगे इसको बढ़ाना, इसको चलाना, ये सिस्टम चलाना, ये हमारा काम है, ये आप लोगों का काम है जो इधर बैठे हुए, ताकि ये हजूर का नूर जो है ना, ये नूर जो है ये बढ़ता रहे, ये फैलता रहे, ये इतना फैल जाए, ये इतना फैल जाए कि दरूद व सलाम से ये सारा आसमान रोशन होना शुरू हो जाए, इतना फैल जाए अल्लाह पाक के जिक्र से हर वक्त कोई लम्हा। और आखिर में मैं सिर्फ एक आका पाक से समझता, क्योंकि असल मसला जो है ना, अब यहाँ जो लोग बैठे ना इनका मसला नहीं है, अब जो असल मसला ना कुछ यंगस्टर्स हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो बात है ना वो आने वाली नस्लों की बात, अगर हमने अब कुछ करना है तो हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना है, आप सब के जितनों के बड़े हैं वो तो बड़े हैं, ये जो आने वाले अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे ना इनकी सोबत है, ये जब से ये सिस्टम चला रहे हैं, ये इनके बच्चे अगर ये उनको हाफ़िज़े कुरान बनाते हैं या तिलावत, अब कितनी प्यारी वो तिलावत की गई, कितनी प्यारा वो उस तरीके से ये कसीदा भी पढ़ा गया, ख़त्म वसीयत भी पढ़ा गया और सब कुछ, मैं ही पढ़ दूँ कहता ये देखें ये हमारे यंगस्टर हैं, ये सोबत का असर होता है, ये हजूर की गुलामी के किसी ने सिस्टम शुरू किया तो घर में ये असर होता है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं फरमाया कि अपनी औलादों को तीन चीज़ें सिखाओ, अपनी औलादों को तीन चीज़ें सिखाओ, एक आपने फरमाया मेरी मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलाद को, क्योंकि ये वही मोहब्बत है जो तुम्हें उधर से मिला सकते हैं, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, उनसे मोहब्बत सिखाओ, उनकी मोहब्बत जब सिखा लो, तीसरी चीज आखिरी चीज आपने क्या की, इन्हें तिलावत कुरान पाक में लगाओ, कुरान पाक की तालीम इन्हें दिलवाओ, क्योंकि कुरान पाक वो है कि जब तुम कुरान पाक अपनी औलादों को जब कुरान पाक सिखा दोगे तो कुरान पाक उन्हें सब कुछ सिखा देगा, ये ज़ेहन बना, ये ज़ेहन में रखिए, कुरान पाक जब अपनी औलादों को सिखा लोगे कुरान पाक सब कुछ सिखा दे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने आप बैठे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हमेशा आते हैं, हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी हमने एक सिस्टम शुरू कर दिया, आप जितने अब आप बैठे हैं ये सबको पता है, विराज साहब से लेकर डॉक्टर साहब से लेकर पिछले एक दो साल से जब से सिस्टम शुरू किया आप लोगों को बताया जाता है, हमारी ये छोटी सी कोशिश थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस चीज़ की है कि हम उसे उस मकाम पर देख रहे हैं, हम वो रिजल्ट अब देख रहे हैं जिसको हमने जिस चीज़ का आगाज किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम से, हुज़ूर की निगाह से, अब हमें हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो सिस्टम रास्ती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सिस्टम हमने शुरू किया था, हर कोई अपने आप अपने घर से शुरू करें, अपने घर से मैं गुफ्तगू में कहा करता हूँ कि एक बेटा पेश कर दें हुज़ूर की गुलामी के लिए, एक बेटा पेश कर दें, कुरान पाक सारे हैं ना जिसकी जितने औलादे आप करते हैं जरूर दूसरी तालीम भी दिलाएं, लेकिन एक को कम अज़ कम कुरान पाक की तालीम जरूर दिलाएं, उसको उस रास्ते पर जरूर लगाएं ताकि वो सारे का सारा वो घर सीधा रहे और वो आने वाली नस्लों को भी सीधा करे। अगर ये सारे जो आज चल रहा है जो आज हो रहा है अगर ये इसी तरीके से रहा तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि घर से बिल्कुल आज हम हालात देख रहे हैं यहाँ लोगों के, तो एक ना एक को जरूर कुरान पाक के अपने दीन की तरफ लगा दें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते
अगर ऐसा नहीं करते, पहली बात तो ये करें, दूसरी चीज जिस तरह महफिलों में बैठते हैं औलादों को लेके करें, अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कम अज कम ये जरूर करें कि अपने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, अपने दिए हुए में से जो ये तालीम हासिल कर रहे हैं उनके सरों पर हाथ रखते हैं, उनके सरों पर हाथ रखते हैं, उनके सरों पर हाथ रखने से फायदा। अगर आप अपनी, पहले तो बात है कि आप अपनी औलाद को पेश करें, आप नहीं कर सकते अगर गुंजाइश उस पर नहीं कर रही तो फिर जितनी जगह जितने बच्चों को जिस तरह स्पॉन्सरशिप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई प्रोजेक्ट है तो फिर उनके जो दीन और दुनिया जो उस रास्ते पर चल रहे हैं आप उनके हाथ सर पर शफकत वाला हाथ रख दें, वो यतीम है, वो गुरबा है, तो उनको जो उनका इंशाल्लाह वो जब तालीम हासिल कर रहे होंगे, वो जब किसी मकाम पर पहुँच जाएंगे तो जो 8 या 10 साल आपने उन पर लगाए होंगे, उनकी वो सारी टेक केयर की होगी या उनको उस मकाम तक पहुंचाया होगा, तो सोचे ना जरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितना अजर देगा। पता नहीं हमारी अपनी औलाद हमें जन्नत की हकदार ठहरा सके या ना ठहरा सके, पता नहीं वो 8-10 साल जिस पे हमने जिसको हमने खर्चा दे के इतना पढ़ा दिया, क्या पता वही हमारे लिए जन्नत की टिकट लेकर खड़ा हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ये शऊर अता फरमाए, हमें ये जो नस्बत वाले हैं हमारी इन नस्बतों से हम उसका दर हकीकत फैज़ हासिल करें, कुरान पाक की तालीम से लेकर नमाज की वो लज़त हासिल करें, अपने आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझें, उसको सीखें, और हर बंदा आप में से कुछ थोड़े भी जितनी चीज़ें आती हैं वो आगे ट्रांसफर करने की कोशिश करें, अपनी जगह पर मेहनत करें। स्पेशली हमारे यंगस्टर्स जितने भी थोड़े ही ज़्यादा, मैं इनको ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें आप मोहब्बत वाले ऐसे बन जाएँ, आप जहाँ से गुजरें लोग कहें कि हुज़ूर का गुलाम जा, बात यहाँ पर खत्म, लोग कहें कि हाँ हुज़ूर का गुलाम जा रहा है। अगर कोई देखना तो ये आज लोग कितनी तरह तरह की बातें, कोई ऐसा धब्बा है जो मुसलमानों पे नहीं है, तो अगर धब्बा दूर करना है तो किसने दूर करना है, हम नहीं दूर करना, कोशिश हमने करनी है। अगर वो आज मैदान बदर की बात हो रही थी, मैं कहता हूँ वो कैसा तवक्कुल होगा कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते भेज देते। आज हम नमाज छोड़ देते हैं कि काम पर नहीं, काम पर खड़े हुए काम ज़्यादा ज़रूरी है, और यार तुम खुद बताओ उनको काम जरूरी नहीं होते होंगे, आज कहते हैं कि हमारा काम जरूरी नमाज पढ़ेंगे, या ये तो खैर किसी की सोच में पता नहीं आते, लेकिन छोड़ इस वजह से देते हैं कि काम जरूरी है, काम जरूरी है, काम जरूरी है, पता नहीं काम से हटेंगे तो नुकसान हो जाएगा, हमारी औलादें हमने उनको भी पालना है, हमारी मजबूरी है। अगर ये मजबूरियाँ करते रहेंगे तो मेरी बात सुने, अगर आप ये फिर ये ना कहें, या तो ये ना कहें कि हमें तवक्कुल है, या तो तवक्कुल ना कहें, या फिर ये काम करें, फिर इसमें लग जाए, फिर जब आप अल्लाह के कामों में लग जाएंगे तो यकीन करें अल्लाह पाक आपके साथ एक काम सीधे कर देगा। ये तसव्वुर, ये यकीन तो अपने रब पे रखे ना, कि जब ये नहीं हो सकता कि तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़ो और तुम्हारे काम में नुकसान है, ये नहीं हो सकता। तुम अच्छे काम के लिए कोई चीज दो, ये नहीं हो सकता कि सदका, जिस तरह आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस का मफहूम के सदका दो, लोग समझते हैं कि शायद मैंने अभी 100 डॉलर दिया, 500 डॉलर दिया, 1000 डॉलर मस्जिद के लिए दिए या इसके लिए दिए, सदका दिए, तो हम समझ रहे होंगे शायद हमारा अकाउंटेंट कहे कि हाँ भाई तुम्हारा घट गया, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, सदके से तुम्हारा माल नहीं घटेगा, सदके से तुम्हारा माल बढ़ेगा। तुम समझते हो शायद घट जाए, लेकिन वो कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। रसूलुल्लाह आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जितनी भी वो सजदा रेजियों से लेकर, तिलावत से लेकर, वो अच्छे कामों से लेकर, मखलूक की खिदमत से लेकर, जितने काम आप ये करते जाएंगे, ये यकीन करें कि इंशाअल्लाह आपका काम बढ़ता जाएगा, आपके काम में कमी नहीं आएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए, फ़कीरों से हमारी ये मोहब्बत अपनी पाक बारगाह में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल फरमाए, और ये सिलसिले रोज़ मैशर तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला जारी और सारी फरमाए। जो इस सिलसिले की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मुझे ये खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि ये जो बनाने की एक मरकज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हुज़ूर का फैज़ है और ये चलना चाहिए। आपने कोशिश की, असल में हमारा काम सिर्फ कोशिश करना, करम तो उसी ने करना है, तो आपकी कोशिश आपने ये शुरू की, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल फरमाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज की ये कोशिश की, ये छोटी सी महफिल जो भी हो मकसद है तो एक होता है कि या अल्लाह तू राज़ी हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये कोशिश को अपनी पाक बारगाह में मंजूर फरमाए।